बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रादौर में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मंच से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर मंच से बोलते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साधा। जब चुनाव होता है सभी पार्टियां तो बढ़िया बढ़िया चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, आपको बढ़िया बढ़िया आश्वासन देती हैं, लेकिन आप लोगों को गुमराह करने का पूरा पूरा प्रयास करती हैं और आप लोग गुमराह हो जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके चुनावी घोषणा पत्र कहाँ पड़े हुए उन्हें मालूम भी नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जो चुनावी घोषणा पत्र में चुनाव में भी जो किस्म किस्म के आप लोगों को प्रलोभन भरे वायदे किए हैं उनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने से पहले जब इलेक्शन हुआ हमने किसी भी चुनाव में वहाँ कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। जब सत्ता में आए जो वहाँ की जरूरत थी हमने जनता के हितों के लिए कार्य किया। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के सांग दाम दंग भेद आदि सभी हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी को कामयाब बनाना है कि चाहे आपके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पावर में रही हो या बीजेपी या यहाँ की स्थानीय पार्टियां पावर में रही हो, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका बड़े पैमाने पर यहाँ शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है, यह आप लोग उससे छिपा नहीं है और उनको न्याय नहीं मिला, ये भी आप लोगों को मालूम है। और फिर इन दबे कुचले लोगों को कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में बरसों बीत जाते हैं लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। किंतु मेरी सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, मैंने समय से अपने लोगों को न्याय दिलाया। और इतना ही नहीं, मैंने जो दलित लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलीय समाज के लोग हैं, उनको पूरा न्याय मिल सके तो मैंने अपनी हुकूमत में उत्तर प्रदेश में जितने जिले थे और प्रत्येक जिले में जितने थाने थे तो सभी थानों में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का थाने के इंचार्ज बनाने के लिए मैंने आरक्षण की व्यवस्था की।